नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, ध्यान लगाकर अंत तक जरूर सुनिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार एक गाँव में चार बहनें रहती थी। भूख, प्यास, नींद और आशा चारों बहनें थी। एक बार देखते ही देखते चारों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। भूख बोलने लगी कि मैं तुम सब में से बड़ी हूँ। प्यास बोलने लगी कि नहीं, तुम सब में से तो बड़ी मैं हूँ। वहीं पर नींद बोलने लगती हैं कि नहीं, तुम सब में से तो बड़ी मैं हूँ। वैसे ही आशा बोलती हैं कि तुम कैसे बड़ी हो सकती हो, तुम सब में से तो बड़ी मैं हूँ। ऐसे करते करते चारों में बहुत ज़ोरदार लड़ाई होने लगी और कोई भी मानने को तैयार नहीं थी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। सभी बड़ी बन रही थी। तो चारों ने सोचा, फिर आशा ने बोला कि हम चारों में से इसका समाधान कोई नहीं कर सकता और हम नहीं जीत सकेंगे। हम राजा के पास चलते हैं, राजा ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। चलो चलते हैं। प्रिय दर्शकों, चारों बहनें राजा के पास आ जाती हैं और राजा ने बोला कि बोलिए कैसे आना हुआ। राजा जी ने पूछा कि तुम्हारा कथन क्या है। तो चारों बहनें बोली कि राजा जी, आप ही बताइए हम चारों में से बड़ा कौन है। इसके लिए हम चारों में बहुत ज़ोरदार लड़ाई हो रही है। राजा जी ने पूछा कि क्यों लड़ाई हो रही है, तुम कैसे बड़े हो। राजा जी ने भूख से पूछा कि तुम बताओ तुम कैसी बड़ी हो। तो भूख बोलती हैं कि हे महाराज, मेरे बिना मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं घर में। अच्छी थालियाँ सजाई जाती हैं और बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। शादियों में जाते हैं लोग तो अच्छे अच्छे खाने देखते हैं और खाते हैं और बहुत सारे पकवान बनाते हैं। इसलिए मैं इन सबसे बड़ी हूँ और मेरे बिना जीव एक भी मिनट या फिर एक भी दिन जीवित नहीं रह सकता। मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा जी ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ सैनिकों, इस राज्य में हर हर घर में कह दो और हैला लगा दो कि आज से कोई भी खाना नहीं बनाएगा। देखते हैं फिर भूख लगती है तो भूख क्या करती हैं। ऐसे ही में सारे सैनिक जाकर हर हर घर में ऐलान लगा देते हैं तो सारे कि आज से खाना कोई नहीं बनाएगा। तो सभी ने खाना नहीं बुलाया क्योंकि राजा जी का हुक्म था, इसलिए किसी ने भी खाना नहीं बनाया। तो एक दिन बीत गया और एक रात बीत गई। वैसे ही भूख को भूख लगी, भूख सताने लगी। तो क्या करे, भूख ठंडी बासी रोटियां खाने लगी। तो वह देख रही थी प्यास, प्यास जाकर राजा जी से बोली कि राजन, भूख हार गई है, वह रात की भूख की ठंडी रोटी खा रही हैं, आप ही बताओ, वो तो हार चुकी हैं, मैं उनसे बड़ी हूँ। राजा जी ने प्यास से पूछा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। उन्होंने जवाब दिया कि सभी इंसान मेरे लिए कुएं खुदवाते हैं, हेडपम्प लगवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, बंदे बनवाते हैं, मैं ही उनमें सब में काम लाती हूँ, फसलों में, घरों मकानों बनाने में और सभी की प्यास बुझाने में मैं सबकी मदद करती हूँ और मेरा बिना जीवन भी असंभव है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर राजा जी ने सभी सैनिकों से कहा कि जाइए और सारे राज्यों में फिर ऐलान कर दीजिए कि आज से कोई भी पानी कुआ नहीं कुदाएगा और कोई भी पानी नहीं पिएगा। देखते हैं अगर प्यास को प्यास लगती है तो वह क्या करती हैं। सैनिकों ने फिर कहा, ऐलान लगा दिया कि आज से पानी नहीं पिएगा
तो राजा जी का हुक्म टाल भी कैसे सकते हैं। सबने मान लिया तो क्या हुआ, एक दिन बीत गया और एक रात बीत गई। फिर प्यास को प्यास सताने लगी, प्यास जोरों से लगती हैं तो क्या करती हैं, वह अपने जो नाली का पानी होता है, खराब पानी होता है, तड़प कर उसको पीने लगती हैं। वहीं पर नींद देख रही थी कि हे राजन, प्यास भी हार चुकी हैं मेरे आगे, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि वह प्यास लगते ही गंदे नाले का पानी पीने लग गई और वह हार गई। राजन ने पूछा कि नींद तुम बताओ, तुम कैसी बड़ी हो? तो नींद ने जवाब दिया कि हे राजन, मेरे लिए बिस्तर लगते हैं और अच्छे अच्छे बेड बजते हैं, उन पे अच्छे अच्छे बिस्तर बजते हैं, और अगर मैं नहीं हूँ तो इंसान कब का समाप्त हो जाए। ऐसे ही राजन ने फिर से सैनिकों को ऐलान दिया कि सभी सैनिक जाओ और पूरे गांव में और पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि आज से कोई भी नहीं सोएगा, देखते हैं फिर नींद को नींद आएगी तो वह क्या करती हैं। ऐसे ही दिन बीतता गया और रात बीतती गई, तो नींद को नींद सताने लगी, नींद आने लगी, तो वह क्या करने लगी, अच्छे बिना बस्तर के ही नीचे उबड़ काबड़ जगह में ही सो गई। वहीं पर आशा देख रही थी, आशा राजन के पास जाती हैं और राजा जी से बोलती हैं कि हे महाराज, ये सब तीनों हार चुकी हैं, मैं इनसे बड़ी हूँ, क्योंकि नींद भी उबड़ काबड़ जगह में सो गई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजन बोला कि तुम सबसे कैसे बड़ी हो आशा? आशा ने जवाब दिया कि हे राजन, ये सभी मेरे से आस लगाते हैं और जो भी धंधा पानी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो वो सभी आस लगाकर बैठते हैं कि मुझे ये कर्म करूँगा तो ये फल मिलेगा, सबको आशा रहती है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। और हर दिन व्यक्ति जो भी कर्म करता है मेरे आशा लगाए के ही करता है, और जब भी उठता है तो उसको याद रहता है कि मुझे आज ये कर्म करना है और उसका ये फल मिलेगा। तो राजन बोलता है फिर से सैनिकों को कि जाओ सैनिक, तुम सब फिर राज्य में ऐलान कर दो कि कोई भी व्यक्ति आज से कोई काम ना करे, देखते हैं फिर आशा को आस लगती हैं तो वह क्या करती हैं। दिन बीतता गया और रात बीती गई, वैसे ही सारा ऐलान लग गया और कोई भी व्यक्ति राजा का हुक्म मानने को तैयार था और सभी काम को बंद कर दिया। लेकिन दिन बीत गया और रात आई तो सैनिकों का फेरा लग रहा था, तो एक कुम्हार के घर में एक कुम्हार मटकी गढ़ रहा था, तो उन्होंने सोचा सैनिकों ने कि इधर किसकी आवाज़ आ रही है, तो वह दीपक जलाकर उजाले के अंदर मटकी बना रहा था। तो सैनिकों ने महाराज को जाकर जवाब दिया कि हे राजन, एक कुम्हार दीपक जलाकर रोशनी के अंदर मटकी बना रहा है। तो राजा जी ने आशा के आगे हाथ जोड़ा कि हे आशा, तुम सबसे बड़ी हो, मैंने सबसे राज्य में ऐलान लगवाया, किसी ने भी सबका मेरा कहना माना, लेकिन वो देखो कुम्हार ने फिर भी आस लगाकर मटकी बनाना शुरू कर दिया। इसलिए प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी को यही राय देने चाहूँगा कि आप कर्म करते जाइए और आस लगाकर हर कर्म को अच्छे से कीजिए, भगवान आपको जरूरी अच्छा फल देगा। इसलिए राजन की तरह आप भी आस लगाए कुम्हार की तरह, तो आपका भी निश्चित फल मिलेगा। और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, आप कुछ ऐसा कर्म करते रहिए जिससे आपको बहुत बड़ी आस हो और आपके परिवार को बहुत ही लाभ मिले। इसलिए मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सभी प्रिय दर्शक, एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, राधे राधे।